हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले 4-5 वीडियो से मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है वो सीख रहे हैं, और हमने लास्ट वीडियो में मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन स्टार्ट किया था विथ KNN इम्प्यूटर। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अंडर द सेम टॉपिक मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन। इट्स कॉल्ड आइटरेटिव इम्प्यूटर, या फिर इसको माइस भी बोला जाता है। इसका जो अंडरलाइंग एल्गोरिदम है उसको माइस भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है ये मिसिंग वैल्यूज को फिल करने का, और उसको हम लोग बहुत डिटेल पे देखने वाले हैं। देयर इज अ रिक्वेस्ट, थोड़ा सा वीडियो डिफिकल्ट लग सकता है आपको बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व। तो मैंने काफी मेहनत किया है सो दैट मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई एम जस्ट होपिंग कि आपको समझ में आ जाए। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, हम जो करने वाले हैं ये एल्गोरिदम, इसको माइस बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन बाय चेन्ड इक्वेशन। बहुत ही फेमस अप्रोच है मिसिंग वैल्यूज को फिल करने का। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने एक्चुअली एक पूरा स्लाइड सॉर्ट ऑफ चीज प्रिपेयर किया है, बट इसके पहले आई विल जस्ट गिव यू सम ओवरव्यू। ओवरव्यू ये है कि आप एक सर्टेन अजम्पशन के अंदर ही माइस को यूज करते हो, ठीक है। कब? अपेरेंटली मैंने शायद ये चीज आपके साथ डिस्कस नहीं की है, देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ मिसिंग डेटा, जिसमें से एक होता है मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, एक और होता है मिसिंग एट रैंडम, और एक होता है मिसिंग नॉट एट रैंडम। ये तीन अलग अलग तरीके से डेटा मिसिंग हो सकता है आपके डेटा के अंदर। मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम का मतलब है कि आप चाहकर भी उसको मतलब देयर इज नो रीजन, मतलब आपका डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ। मतलब इसका यही मतलब है कि आप जहां से भी डेटा ला रहे हो वहां पे कुछ सर्टेन रोज के लिए डेटा कलेक्शन हुआ ही नहीं। इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। दैट इज कॉल्ड मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। मिसिंग एट रैंडम में क्या होता है कि जो आपका डेटा कलेक्ट आप कर रहे हो वहां पे सोर्स में ही कुछ लोगों ने ऑप्शनली चीजें नहीं भरी। जैसे एक एग्जांपल है कि आपने अपना वेट नहीं फिल किया या अपना एज फिल नहीं किया बिकॉज आप कॉन्शियस हो रहे हो या आप बताना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर एक अजम्पशन ये होता है मिसिंग एट रैंडम में कि जो आपका मिसिंग वैल्यू है उसको फिल किया जा सकता है बाकी के कॉलम्स के वैल्यू के थ्रू। मतलब देयर इज अ रिलेशन, ठीक है। मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम में ऐसा नहीं करते आप। और मिसिंग नॉट एट रैंडम में क्या होता है कि जानबूझ के डेटा हटाया गया है। मतलब इसका यही मतलब होता है, जानबूझ के डेटा हटाया गया है और आपके बाकी कॉलम्स और आपका मिसिंग वाला जो कॉलम है उसके बीच में ज्यादा रिलेशनशिप नहीं रहता है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अजम्पशन ये है कि आप माइस तब यूज करते हो जब आप श्योर होते हो कि आपके पास जो डेटा है दैट इज मिसिंग एट रैंडम। मतलब आप बाकी कॉलम्स को यूज करके मिसिंग वाले कॉलम का वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये एक अजम्पशन है, ट्राई तो आप कहीं भी कर सकते हो बट बेटर रिजल्ट्स आपको मिसिंग एट रैंडम पे मिलेगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है इस टेक्निक का कि इट्स क्वाइट एक्यूरेट, मतलब इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो हो जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करके मिसिंग वैल्यूज का वैल्यू प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और एक और डिसएडवांटेज हो जाता है कि आपको अपना पूरा ट्रेनिंग सेट सर्वर पे रखना पड़ता है, क्योंकि अगर सर्वर पे कोई मिसिंग डेटा आएगा तो वो प्रिडिक्शन ट्रेनिंग वाले डेटा के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं, थोड़ा स्लो हो जाता है एज इन स्पीड का प्रॉब्लम है और मेमोरी का भी प्रॉब्लम है। तो बड़े डेटा सेट्स के ऊपर काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पीड स्लो हो सकता है, बट इट इज क्वाइट एक्यूरेट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत आराम से समझाने का ट्राई करूंगा कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक डेटा सेट उठाया, दिस इज द डेटा सेट, ये मुझे कैगल पे मिला, और यहाँ पे चार कॉलम्स हैं। बेसिकली ये स्टार्टअप का डेटा सेट है कि कोई स्टार्टअप अपने R&D में कितना खर्चा कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा कर रहा है,
मार्केटिंग में कितना खर्चा कर रहा है और उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है. सो इट्स अ रिग्रेशन प्रॉब्लम. अब मैंने क्या किया, सिंस हमें माइस इंप्लीमेंट करना था, तो माइस आप हमेशा इनपुट कॉलम्स के ऊपर ही इंप्लीमेंट करते हो, और यहाँ पे इनपुट कॉलम्स बस ये हैं, ये. तो मैंने इस कॉलम को हटा दिया, ठीक है. तो वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आफ्टर रिमूविंग द टारगेट कॉलम मेरे पास जो डेटा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है. अब मैंने सिर्फ 5 ही रोज लिए हैं, इसमें और ज्यादा रोज थे, आई गेस 50 रोज थे, बट मैंने रैंडमली 5 रोज लिए जस्ट टू शो यू द कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा था, तो ज्यादा रोज होते तो मैं करके नहीं दिखा पाता. तो जो भी है, ये हमारे पास ये 5 रोज और 3 कॉलम्स का डेटा सेट है. अब मैंने क्या किया, जानबूझ के इसमें से कुछ वैल्यूज हटा दी, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज मैंने कुछ हटा दी. जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी मैंने ये वैल्यू हटा दी है, मैंने ये वैल्यू हटा दिया है, और मैंने ये वैल्यू हटा दिया. सो फाइनली जो मेरे पास डेटा सेट है वो ये है, जिसमें 5 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं और 3 मिसिंग वैल्यूज हैं. हर कॉलम में एक एक मिसिंग वैल्यू है. अब मुझे ये मिसिंग वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना है यूजिंग माइस, हमारा एल्गोरिदम, ठीक है. कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप करना होता है. सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हो कि आपकी जितनी भी नैन वैल्यूज हैं आप उनको मीन से रिप्लेस कर देते हो. किस चीज के मीन से, अपने कॉलम के मीन से, ठीक है. सो यहां पर यू कैन सी ये 9.25 कहां से आया, ये बेसिकली इस कॉलम का मीन वैल्यू है. सिमिलरली ये 11.25 कहां से आया, ये इस कॉलम का मीन वैल्यू है, और ये 29.25 इस कॉलम का मीन वैल्यू है. तो आप जब स्टार्ट करते हो तो अपनी सारी मिसिंग वैल्यूज को उसी कॉलम के मीन से रिप्लेस कर देते हो. दैट इज स्टेप वन, ठीक है. अब आता है स्टेप टू. स्टेप टू में अब आप क्या करते हो कि आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो अपने कॉलम्स में, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो. और सबसे पहले आप क्या करते हो कि आपका जो पहला कॉलम है लेफ्ट में, इस केस में आरएनटी स्पेंड वाला जो कॉलम है, इसमें जहां जहां पे भी वैल्यूज मिसिंग थी उनको वापस आप नैन वैल्यू से रिप्लेस कर देते हो. जैसे ऊपर आपने इस वैल्यू के मीन से रिप्लेस किया था, अब आप इसको वापस नैन से रिप्लेस कर दे रहे हो. क्यों ऐसा किया आपने, बिकॉज अब आप इसको प्रिडिक्ट करोगे यूजिंग योर एल्गोरिदम. बाकी दोनों वैल्यूज जैसी हैं वैसे ही रही, ये वापस नैन बन गया, ठीक है. अब यहां पे मेन चीज होता है, यहां पे आप क्या करते हो कि आप यहां पर एक एल्गोरिदम लगाते हो, कोई भी एल्गोरिदम, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, कोई भी एल्गोरिदम आप लगा सकते हो. तो अब क्या हुआ कि ये जो रो है जहां पे मिसिंग वैल्यू है, यहां पे आप प्रिडिक्शन करोगे, तो बाकी जितने भी रोज हैं वो बन जाएगा आपका ट्रेनिंग डेटा. तो ये जो रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है और ये जो रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है, इनको मिला करके मेरा ट्रेनिंग इनपुट बन गया, और ये जो ब्लू बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये मेरे आउटपुट बन गए, ठीक है. सो यू कैन सी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग स्पेंड, और ये 15, 30, 10, 41, 11, 26, 15, ये मेरा इनपुट है मेरे एल्गोरिदम के लिए. मैंने लीनियर रिग्रेशन यूज किया है, आप कोई और एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हो. ये मेरा एक्स हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है. और ये जो ब्लू है ये कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हो गया. सो ये पूरी चीज बन गई कैपिटल एक्स, और ये पूरी ब्लू चीज बन गई वाई. अब मैंने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है. तो इस डेटा पे मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो गया. अब मैं उसको नया इनपुट दूंगा, विच इज दिस गाय 5 और 20, और इस चीज के लिए मैं प्रिडिक्शन निकलवाऊंगा, और वो प्रिडिक्शन निकल के आ रहा है 23.14. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है. सो हमने सबसे पहले क्या किया, सारी मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया कॉलम के मीन वैल्यू से. उसके बाद लेफ्ट से पहले कॉलम को पकड़ा, जहां जहां पे भी मिसिंग वैल्यूज थी उनको वापस मिसिंग बना दिया, और बाकी के डेटा को यूज करके एक मॉडल को ट्रेन किया, और जिस जिस रोज में वैल्यूज मिसिंग थी उसके बाकी कॉलम्स के वैल्यू को इनपुट दे करके मैंने मिसिंग वैल्यूज को प्रिडिक्ट करवाया. ये मैंने अभी तक किया. अब मैं लेफ्ट से राइट मूव करूंगा, और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये सेम डेटा यहां चला जाएगा नीचे. आई विल शो यू, ये सेम डेटा नीचे चला जाएगा. एज यू कैन सी ये सेम डेटा नीचे चला गया, और अब मैं इस सेकेंड कॉलम में इस वैल्यू को वापस मिसिंग बना रहा हूं, क्योंकि ये मिसिंग वैल्यू था शुरू में, ठीक है. तो अब फिर से आप समझ सकते हो कि अब आपका जो इनपुट है वो
ये है जो रेड बॉक्सेस हैं, ये जो रेड बॉक्सेस हैं ये आपके इनपुट हो गए, और ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं ये आपके आउटपुट हो गए। तो ये पूरा चीज बन गया x और ये बन गया y। फिर से मैंने सेम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम को ट्रेन करवाया, ठीक है, और मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। अब मैंने क्या किया, ये इनपुट दिया, ये दोनों इनपुट थे, और ये दोनों इनपुट देने से अब जो प्रिडिक्शन आया वो ये आया 11.06। तो अब मैंने सेकेंड रोज की सारी वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर लिया। फिर से मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा और अब मैं जाऊंगा अपने थर्ड कॉलम के ऊपर, और मेरे थर्ड कॉलम में सब कुछ मैंने फिल कर दिया। यू कैन सी अभी यहाँ पे दिस इज 2.34 जो प्रिडिक्शन से निकला था, 11.06 जो अगेन प्रिडिक्शन से निकला था। अब मैंने इस वैल्यू को मिसिंग कर दिया, मतलब गायब कर दिया, क्योंकि अगर आप डेटा सेट आपको याद होगा तो आपको याद होना चाहिए कि शुरू में यही तीन वैल्यूज मिसिंग थी, ये वाला और ये वाला, राइट। तो अब लास्ट कॉलम की बारी है। तो अब यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि अब ये जो रेड बॉक्स है ये मेरा इनपुट है, एज इन दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और ये मैंने लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल को दिया, ट्रेन किया, और ये मेरा एक्स टेस्ट हो गया, जिसको देने से ये प्रिडिक्शन हुआ 31.56, और मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये मेरा स्टेज वन कंप्लीट हो गया, पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। एक्चुअली जीरो स्टेज क्या था, मीन वैल्यूज से सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देना। स्टेज वन में हमने क्या किया, एक एल्गोरिदम के थ्रू सारी वैल्यूज को प्रिडिक्ट किया, और दिस इज एंड ऑफ स्टेज वन, दिस इज स्टेज वन। सो आफ्टर स्टेज वन अब मेरे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है मेरे डेटा सेट में, बट यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं होता है। आप ये सेम काम रिपीट करते जाते हो बार 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 बार, कैसे, लेट मी शो यू। सो अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि आफ्टर आइटरेशन जीरो, जो पहला आइटरेशन था, उसके बाद मेरा डेटा सेट ऐसा दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा था, बिकॉज ये सब मीन वैल्यूज हैं, ये सब मीन वैल्यूज हैं, और ये है आइटरेशन वन के बाद। तो ये जो प्रिडिक्शंस हुए हैं, ये प्रिडिक्शंस हुए हैं आपके लीनियर रिग्रेशन मॉडल के थ्रू, राइट। तो अब आपको क्या करना होता है, आपको अपने आइटरेशन वन में से आइटरेशन टू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है हर वैल्यू को। सो ये वाला वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट होगा। सो ऑब्वियसली आपको एक इस तरह का डेटा फ्रेम मिलेगा, जहां पे जितनी भी वैल्यूज पहले से अवेलेबल थी वो सब जीरो हो जाएंगी, और जो आपकी मिसिंग वैल्यूज थी जिनको आपने प्रिडिक्ट किया, वहां पे कुछ कुछ नंबर आ जाएंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे 13.89 आ रहा है, यहाँ पे -19 आ रहा है, और यहाँ पे 2.31 आ रहा है। तो ये डिफरेंस बताया जा रहा है हमारे दो अप्रोचेस का, एक मीन वाले अप्रोच का और एक लीनियर रिग्रेशन से प्रिडिक्शन करने वाले अप्रोच का। अब ध्यान से सुनो, आप ये काम तब तक करते रहते हो रेपिटेशन में जब तक ये जो डिफरेंस है, ये जो वैल्यूज हैं, ये सब जीरो ना हो जाए या ऑलमोस्ट जीरो ना हो जाए। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभी ये 13 है तो काफी डिफरेंस है, यहाँ पे 2.31 है तो काफी डिफरेंस है। तो आपको तब तक लूप जमे लूप के अंदर ये काम करते रहना है जब तक कि आपका ये डिफरेंसेस जीरो ना हो जाए, या फिर आप एक फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन तक भी चला सकते हो, 10, 15, 20, 100। लेकिन जितने ज्यादा आप आइटरेशन चलाओगे उतना ज्यादा आपका मिसिंग वैल्यूज बेटर प्रिडिक्ट होता है, ठीक है। सो अब आपको फिर से क्या करना है, अब आपको ये जो सेकेंड आपका आइटरेशन से, ये जो फर्स्ट आइटरेशन से आपका जो डेटा सेट निकला था, अब आप इसको बेस मानोगे, अब आप इसको बेस मानोगे, और फिर से आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसकी ये वाली वैल्यू को आप पहले हटा दोगे, इसको नैन बना दोगे, ठीक है, फिर प्रिडिक्शन करोगे बाकी सबको यूज करके, ठीक है। फिर सिमिलरली लेफ्ट टू राइट जाओगे, फिर इसको हटा दोगे, फिर इसके लिए प्रिडिक्शन करोगे, फिर इसको हटा दोगे, इसके लिए प्रिडिक्शन करोगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि बार बार ये काम क्यों कर रहे हैं, एक बार में क्यों नहीं कर रहे। उसका रीजन ये है गाइस कि हम जब पहली बार प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हम मीन वाली वैल्यूज के साथ प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और वो वैल्यूज गलत हो सकती हैं। तो द होल आइडिया इज कि आप हर अगली बार प्रिडिक्शन करके एक्चुअल वैल्यू के क्लोज पहुंचना चाह रहे हो, और इवेंचुअली आपको कैसे पता चल रहा है कि आप क्लोज पहुंच गए, आपका डिफरेंस जीरो हो जा रहा है। इट मींस आपका मशीन लर्निंग मॉडल अब आगे और कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो इट सेज कि बस मुझे लगता है यही सबसे सही वैल्यू है, एंड दैट इज व्हाई यू डू दिस एंटायर थिंग इन स्टेप्स, लाइक आइटरेशंस में आप करते हो, और इसीलिए इसका नाम भी आइटरेटिव इंप्यूटेशन है। सो यू कैन सी कि अब जब मैंने सेकेंड टाइम ये सेम चीज किया,
यहाँ पर देखो, अब ये रहा पहली बार जब मैंने लीनियर रिग्रेशन लगाया था, तो ये रिजल्ट था, ये रिजल्ट्स थे। फिर मैंने एक एक करके पहले इस कॉलम पे प्रिडिक्शन किया, फिर इस कॉलम पे किया, फिर इस कॉलम पे किया, तो ये देखो मेरे रिजल्ट ऐसे आ रहा है, 23.78, 11.22, और ये तो एग्जैक्टली सेम आ गया, 31.56। इसका मतलब जब मैंने अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0.64 हो गई। देखो ये वैल्यू भी बहुत घट गई, ये डिफरेंस भी बहुत 0 की तरफ आ गया, और ये वैल्यू भी 0 की तरफ गया है, -0.19 से +0.16 गया, बट 0 के आप क्लोज पहुंच रहे हो, ठीक है। और अब फिर से आप क्या करोगे, आपको पता चल गया ये चीज कि आप फिर से इस सेकेंड वाले डेटा सेट को अब अपना बेस बना लोगे और इसको यूज करोगे टू डू थर्ड लेवल ऑफ प्रिडिक्शन। तो अब आप फिर से क्या करोगे, इस डेटा सेट में लेफ्ट टू राइट, पहले इसको नैन बना के यहाँ प्रिडिक्शन करोगे, फिर इसको नैन बना के यहाँ प्रिडिक्शन करोगे, फिर इसको नैन बना के यहाँ प्रिडिक्शन करोगे। मैंने ये भी किया तो फिर नई वैल्यूज ये आई गाइस, दीज आर द न्यू वैल्यूज। और अब जब मैंने डिफरेंस निकाला तो ये आ रहा है 0.79, ये आ रहा है 0.15, और ये दोबारा से बढ़ गया, और बढ़ेगा, ऐसा होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। अभी तो हमने सिर्फ 2 iterations चलाए, लोग 100 iterations चलाते हैं। तो हमारा एंड गोल इज, मतलब आपको क्या करना चाहिए, ये पूरी चीज को प्रैक्टिस करके पता नहीं 10, 15, 20 iteration तक चलाओ, और इवेंचुअली द एंड गोल शुड बी कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज थी, ये जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज थी, आपको इनके क्लोज पहुंचना है। अभी तो हम इनके बिल्कुल भी क्लोज नहीं है क्योंकि अभी हमने बस 2 iterations चलाए हैं। ये वाला वैल्यू फिर भी थोड़ा क्लोज है, 16 वाला, ये 3 और ये 4 तो बिल्कुल ही अभी ऑफ आ रहा है, ये सही नहीं आ रहा है, बट 16 वाला वैल्यू आई गेस थोड़ा सा ठीक आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है 16 के बदले, तो ये फिर भी थोड़ा ठीक है। ये यहाँ पे 3 आना चाहिए था, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, दिस वैल्यू शुड हैड बीन 4, बट ये 24 आ रहा है, और ये 3 आना चाहिए था, ये 45 आ रहा है, तो अभी बहुत ऑफ आ रहा है ये, क्योंकि अभी बस मैंने 2 iterations चलाए। बट अगर आप और iterations चलाते जाओ, इसको लूप के अंदर आप करते जाओ, अब ये डेटा सेट को बेस रख करके आप नेक्स्ट चलाओ, फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो इवेंचुअली यू विल रीच अ पोजिशन जहां पे आपके डिफरेंसेस 0 के बराबर आ जाएंगे, और उसके बाद आप बाकी का काम करो जो आप करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, मशीन लर्निंग मॉडल लगा करके एक्यूरेसी वगैरह निकालो, तो यू वुड फाइंड कि आपके रिजल्ट्स बेटर आते हैं, ठीक है। तो आपका हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ ये नोटबुक शेयर कर दूंगा, ये वही नोटबुक है, मैंने यहीं से स्नैपशॉट्स ले ले करके वहां पे चिपकाए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस नोटबुक को यूज करो टू बिल्ड योर इंट्यूशन अबाउट दिस एल्गोरिदम। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऑल दो मैंने बहुत ज्यादा कमेंट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा था, बट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ कर रखा है 3 iteration तक। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के 5, 10 iterations ट्राई करो, इफ पॉसिबल खुद का एक प्रोग्राम लिख लो जिसमें आप लूप के अंदर ये काम कर रहे हो, तो फिर आपको जल्दी से रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको जल्दी से साइकिट लर्न में आइटरेटिव इंप्यूटर कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दैट।